अच्छे माता पिता कैसे बने इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी अपने सोसाइटी में, बहुत बड़ी सोसाइटी थी, अपने सोसाइटी में दोपहर के समय अपने सोसाइटी के दूसरे फ्लैट वाली एक बुजुर्ग लेडी के पास में जाके बैठती है। दोपहर का टाइम है, ये लेडी टाइम है, उसके पास में जाके बैठती है, गप्पे मारती है और गप्पे मारते मारते बहुत अपनी कहानी सुनाती है कि देखो मेरे बच्चे, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है, बहुत तकलीफ है, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सब बोलती है वो बुजुर्ग लेडी को, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, दोनों को संभालना बहुत कठिन हो रहा है। देखो वो अभी स्कूल से आएंगे तो बैग फेंक देंगे, उसका उनका हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, वो कहीं भी अपना मतलब सॉक्स निकालेंगे फेंक देंगे, जूते कहीं भी उठा के फेंक देंगे, वो स्कूल का टाइम जो है मिलता ही नहीं उनको टाइम पे, फिर एग्जाम में वो कम मार्क लाएंगे, अपना शर्ट कहीं भी फेंक देंगे, बहुत मैला करके लाएंगे, पता नहीं क्या किया उसने, मालूम ही नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों के बारे में किटकिट 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 चालू थी और बोलती मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो बुजुर्ग लेडी बोलती है देखो मेरा बहुत बड़ा फ्लैट है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा एक बेटा जो है ना वो लंदन में है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों वहाँ सेटल हो गए। मेरा घर बहुत ही साफ सुथरा है, मेरे घर में कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं है, मेरे घर में बहुत ही शांति है, कुछ भी चीज़ इधर की उधर रखी नहीं है, एकदम सब टॉप टिप है, मगर मैं ये टॉप टिप को और शांति को बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आना चाहिए। अब बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे आ गए ना तो बहुत अच्छा लगेगा, वो सुकून लगेंगे, वो आएंगे ना यहाँ और कपड़े फेंक देंगे, बिस्तर उठा के पटक देंगे, अपनी बैग फेंक देंगे, अपनी वाटर बैग फेंक देंगे, अपना शर्ट मैला हुआ जो है वो ला के रखेंगे, एग्जाम में मार्क्स कम लाएंगे, जो भी करेंगे ना मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसमें जो मज़ा थी ना जब मेरे बच्चे छोटे थे बहुत मज़ा आती थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत तंग आ चुकी, मगर वो मज़ा जो है ना वो मैं आज भी याद करती हूँ, मुझे लगता कि वो जो मज़ा थी ना जब मेरे बच्चे छोटे थे वो अलग ही मज़ा थी। आज तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, अभी बहुत शांति है, मगर अभी मज़ा नहीं है, अभी लगता है कि बस मुझे दिन काटने का है, अब दिन कैसे कटेंगे वो देख रही हूँ। आपको तो अच्छा है, बच्चे घर में है, चिल्लाना चीखना बच्चों का चालू है मगर आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है घर में, भले ही तंग है वातावरण मगर जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, मेरे यहाँ शांति है उसको मैं तंग हो गई हूँ, आपके यहाँ चिल्लाना चालू है उसको आप तंग हो गई है। ये देखो आप अभी, वो बुजुर्ग लेडी बोलती है ये पहले वाले लेडी को कि आप अभी इसको एंजॉय करो, ये दिन कभी नहीं आएंगे, अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना उनके खुशी में अपनी खुशी देखो, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, एक बार वो बड़े होके इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, खुद के ऊपर निर्भर रहना चालू करेंगे, फिर आपको लगेगा अभी मैं क्या करूँ, आज तो बच्चे छोटे हैं आपको देखना पड़ता है, बच्चे बड़े होने के बाद में तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जैसा अभी मैं हूँ और मुझे अभी अकेलापन बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे लगता है कि वो दिन अच्छे थे, आपको भी शायद ऐसा लगेगा बाद में कि ये दिन अच्छे थे, इसलिए अभी एंजॉय करो, जो क्षण हमारे पास में है ना वो क्षण हमने एंजॉय करना चाहिए। देखो हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, एक्चुअली लाइफ बहुत ही छोटी है, देखो जहाँ जहाँ स्केयरसिटी है ना वहाँ वहाँ हमको बहुत मज़ा आता है, जैसा एक हम बहुत बड़ा सेल लग गया है जी महा सेल, तो वहाँ बहुत लोग भीड़ कर देते हैं, वन डे मैच है तो वहाँ लोग बहुत मजा कर लेते हैं, वन डे में फाट फाट खत्म हो जाएंगे मैच, तो जब लिमिटेड ओवर है लिमिटेड टाइम का सेल है तो जैसे मज़ा आती है और लोग बहुत धूम कर देते और एंजॉय करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो लिमिटेड है, पता नहीं कब निकल जाएंगे हम यहाँ से, कब निकल जाएंगे, तो जो हमारे सामने उसको एंजॉय करो, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो और मजा करो, एंजॉय करो और बहुत मजा लेते रहो लाइफ की, क्योंकि जिंदगी अभी है। आपको लगेगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे बाद में मेरा लाइफ चल हो जाएगा, तो नहीं, तब लगेगा कि नहीं भाई पहले वाला ही अच्छा था, ये तो अभी अकेलापन बहुत बोर कर रहा है, मतलब क्या है कि अभी एंजॉय करो, जो आपके पास में वक्त है एंजॉय करो और मजे करो, इसमें ही जीवन का आनंद है। ये जब उसने बुजुर्ग लेडी ने बताया तो ये जो लेडी थी पहली बार उसकी आंखें खुल गई, बोले मैं तो देख रही थी कि मैं बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब तो मैं लाइफ को एंजॉय करूँगी, बोले नहीं आज एंजॉय करने का है,
क्योंकि आज का क्षण आपके हाथ में है और जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें एंजॉयमेंट करो। ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।